बेस्ट जेन 4 SSD सैमसंग की तरफ से आने वाली 990 प्रो विद हीट सिंक। तो हमारे पास ये जो मॉडल है ये है 2 TB का मॉडल और बहुत ही बढ़िया ये वाला मॉडल है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरी ये इंस्टॉलेशन गाइड होने वाली है। तो ये आप देख सकते हो PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड भाई 7.4 GHz तक की है और 2 TB का ये वाला वेरियंट है हमारे पास सैमसंग का है। इसके पहले भी मेरे पास सैमसंग की SSD है 980 जो है, उसके अलावा मेरे पास सैमसंग की 870 EVO भी है, यानी कि टोटल 3 SSD हो चुकी है मेरे पास। तो एक थी साटा की, एक है जेन 3 और ये है जेन 4। तो ये 2 TB जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर सील्ड है। उसके अलावा जहाँ पर इसका मॉडल नंबर सीरियल नंबर लिखा होता है यहाँ से भी ये प्रॉपर सील्ड है, यानी दोनों तरफ से प्रॉपर सील्ड है। सैमसंग SSD 990 प्रो विद हीट सिंक, ये हीट सिंक वाला मॉडल है। इंडिया में ये अभी नया आया है, आपको बहुत ज़्यादा शायद अनबॉक्सिंग और रिव्यू इसके ना मिले, तो हो सकता है मेरा चैनल ही पहला हो जहाँ पर आप इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू देख रहे हो। इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू तो करेंगे ही। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको खरीद सकते हो। मैंने सिर्फ 14,500 में भाई ये 2 TB का वेरियंट खरीदा है जो कि बहुत ज़्यादा सही है। चलिए जल्दी से इसकी जो सील है इसको ब्रेक करते हैं, और इसकी सील ब्रेक करते हुए इसका जो बॉक्स है वो भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है क्योंकि इस तरीके से इसको सील किया जाता है कि एक बार अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो प्रॉपर पता चल जाए कि भाई इसको ओपन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसको हमने ओपन कर दिया है और इसमें से हम अपना जो मॉडल है उसको निकालेंगे। मेरे को थंबनेल बनाना है, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बॉक्स ज़्यादा डैमेज ना हो क्योंकि मेरे को बाद में इसका थंबनेल बनाना है। तो बिल्कुल सही है, बॉक्स थंबनेल बनाने के लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको मैं साइड में रखता हूं और आपको दिखाता हूं जो हमारे बॉक्स कंटेंट हैं उसमें क्या क्या है। सबसे ऊपर आपको मिलती है हमारी सैमसंग की तरफ से आने वाली ये वाली जो हमारी है यूज़र मैनुअल, और उसके नीचे हमारी सैमसंग की SSD जेन 4 NVMe। इसको लेने से पहले इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके जो मदरबोर्ड है उसमें जेन 4 का स्लोट होना भी चाहिए NVMe का। यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी ही ज़्यादा शानदार है वारंटी वर्ड इफ़ यू रिमूव, तो इसको रिमूव नहीं करना है। सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इसमें एक LED भी होती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा जो कि ब्लिंक करती है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो दिखने में तो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट है, छोटा सा बिल्कुल आपको साइज़ देखने को मिल जाता है इसका। बट ये 2 TB का वेरिएंट है, जो 2 TB भाई बहुत होती है हमारे लिए SSD के तौर पर। और इसका 1 TB का वेरिएंट भी मिलता है, इसका 4 TB का वेरिएंट भी मिलता है, बट वो दोनों ही काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और ये मेरे को सिर्फ 14,500 में मिल गई डिस्काउंट लगाने के बाद, और नॉर्मल जो कीमत थी इसकी 17,000 थी अमेजोन सेल के दौरान मैंने ली थी। तो अभी जाके चेक कर सकते हो इसका करंट प्राइस क्या है। तो इसको आप जस्ट इसके जो कट होते हैं उसको मैच करते हो और उसके बाद इसको लगाए। तो चलिए जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो आपने अपने जो केस है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पर जहाँ पर आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है इसके ऊपर आपको एक स्लॉट देखने को मिल जाएगा लाइटनिंग M.2 जेन 4 SSD का। तो इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले हो सकता है अपने ग्राफिक्स कार्ड को निकालना पड़े, नॉर्मली आपको अपने ग्राफिक्स कार्ड को निकालना ही पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफिक्स कार्ड का जो लॉक बटन है इसको ओपन कर लीजिए, इसके स्क्रूज ओपन कर लीजिए और अपने ग्राफिक्स कार्ड को निकाल लीजिए। ये प्रोसेस तो काफ़ी ईजी है। इसको निकालने के बाद फिर आपको जो अपनी जेन 4 की हमारी SSD वाली स्लॉट है वहाँ पर जो स्क्रूज दिए होते हैं, 2 स्क्रूज होते हैं नॉर्मली, आपको उसको ओपन कर लेना है। और कई मदरबोर्ड्स में आजकल न्यू टेक्नोलॉजी भी है तो वहाँ पर आपको स्क्रूज ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उस तरह ही आपकी जो SSD है वो भी लग जाती है, तो वो चीज़ भी दे सकते हो। इसके लिए आपको साथ में एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए होगा। ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये मैग्नेटिक होगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला मेरा मैग्नेटिक था, इसी से मैंने अपना PC बिल्ड किया था, 3-4 साल हो चुके हैं, बट इसकी अब जो मैग्नेटिक वो है वो ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आई इसको इंस्टॉल करते हुए। तो ये आप देख सकते हो ये जो हमारी है हीट सिंक तो उसमें पहले ही थी जो हमारे कवर के साथ में थी। उसके अलावा यहाँ पर हमारा सैमसंग SSD 980 जो है वो SSD पहले से लगी हुई है हमारे जेन 4 के स्लॉट में। असल में ये जेन 3 की SSD है तो मैंने उस टाइम पर जेन 4 में लगा दिया था क्योंकि मेरे पास ये सिंगल SSD थी। ये 500 GB का वेरियंट है और इसको भी मैंने 3 साल से यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया है, इसलिए मैंने एक और भी SSD मंगाई है क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में 2 स्लॉट हैं टोटल। और यहाँ पर हम जो अपने दूसरा स्लॉट है वहाँ पर इसको लगा देंगे अब जो ये जेन 3 का स्लॉट है, तो जो हमारी पहले वाली SSD है उसको हम अपने इसमें शिफ्ट कर देंगे जेन 3 में। अगर आपके पास वहाँ पर कोई SSD नहीं है तो आपके लिए प्रोसेस और भी ज़्यादा ईजी होगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये हमारा जो हीट सिंक है इसके ऊपर कवर होता है क्योंकि ये वाली फ्रेश स्लॉट है, इसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, ऊपर वाले स्लॉट में हमने लगा दिया ताकि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो हमको मिल सके।
और जो जेन 3 है उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो इसको इंस्टॉल करना है भी बहुत ईजी होता है। तो जो जेन 3 वाली है वहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका जो कट होता है उसको आपने वहाँ से मैच कर देना है और 20 से 30 डिग्री के एंगल पर आपने इसको इंस्टॉल करना है, अंदर डालना है और ताकत नहीं लगानी है, बहुत ही इजीली चला जाएगा जब आप सही तरीके से करोगे। 20 से 30 डिग्री के एंगल पर ही इसको इंस्टॉल करना है, सीधा नीचे करके इसको इंस्टॉल नहीं करना, अदरवाइज ये ख़राब हो सकती है, बहुत ध्यान रखना है इसमें, ताकत नहीं लगानी। और जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से 20 से 30 डिग्री के एंगल पर अपने आप खड़ी रह जाती है। अगर ये इस तरीके से है तो समझ जाइए कि आपकी जो SSD है वो प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, जो आपका हीट सिंक है और इसका कवर है उसको आप इसके ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि इस वाली जो पहली वाली हमारी SSD है उसमें हीट सिंक उसके साथ में नहीं होती थी। तो जो आपका मदरबोर्ड है उसमें ही आपको जो आपकी हीट सिंक है वो मिल जाती है और जो कवर मिल जाता है। तो ये वाला जो आपका ऊपर का पॉलिथीन सा होता है इसका कवर उसको हटा दीजिए और उसके बाद ये वाले जो हमारी हीट सिंक के साथ है हम इसको लगाएंगे। बट आपके मदरबोर्ड में इसके साथ में दो स्क्रूज भी मिलते हैं, 2 से 3 स्क्रूज, जो कि ये बहुत छोटे होते हैं, ये आपके SSD स्लॉट्स के लिए होते हैं। तो इनको आपने पहले लगाना होता है आपके SSDs में। तो जो हमारी SSD है हमारी जेन 3 वाली, पहले हम इसको लगाएंगे ये वाले स्क्रू को। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होगा तो भाई बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेरा मैग्नेटिक ही था बट इसका मैग्नेटिक जो इसमें था वो ख़त्म हो चुका है, अब 3 से 4 साल हो चुके हैं स्क्रू ड्राइवर को, इस वजह से शायद इसमें प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरे को थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था ये वाला काम, बट ईजिली एक बार आपका जो स्क्रू उसमें लग गया तो आप उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर दें, फिर काम ईजी हो जाता है। तो चलिए हमारी जो ये वाली जेन 3 की SSD थी ये हमने लगा दी है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमारा कवर है हम वो भी लगा देंगे और हीट सिंक के साथ। तो इसको आपने इजीली इसको लगा देना है, सेटअप कर लेना है और सेटअप करने के बाद इसका भी स्क्रू टाइट कर देना है। इसका स्क्रू टाइट कर देंगे तो जो हमारी जेन 3 की SSD थी वो लग चुकी है। इसमें मेरी कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं है, विंडो मेरी साटा की SSD में इंस्टॉल है, तो इसलिए ये मैं ऊपर से नीचे लगाऊँ नीचे से ऊपर लगाऊँ तो उससे कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि जो हमारी विंडोज़ है वो ऑलरेडी चलती रहेगी। अगर आपकी विंडोज़ इसमें इंस्टॉल है तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए अब हमारी जो जेन 4 की SSD है सैमसंग की 990 प्रो विद हीट सिंक इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको भी इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, ये हमारा जो लोग था ग्राफिक्स कार्ड का इसके ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा जेन 4 का स्लोट है। इसको भी सेम उसी तरीके से हमने 20 से 30 डिग्री एंगल के ऊपर उठाकर इसको इसमें इंस्टॉल करना है। थोड़ी सी भी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, जब आप सही से लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और जो हमारी जेन 3 वाली विदाउट हीट सिंक वाली SSD होती है उसकी तरह ये बिल्कुल 30 से 40 डिग्री एंगल के ऊपर नहीं होता, ये थोड़ा नीचे जाकर ही ऑटोमेटिक लग जाता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सही से नहीं लगा, ये सही से लगने के बाद भी थोड़ा नीचे ही हो जाता है, थोड़ा सा हाँ जरूर उठा रहता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो ये आप देख सकते हो जस्ट कट आपको मैच करना होता है और सैमसंग जो लिखा हुआ ये आपको सीधा लिखा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही लगा रहे हो। उसके बाद इसमें भी आपने जो स्क्रू है वो लगा देना है। स्क्रू आपको आपके मदरबोर्ड के साथ में मिलते हैं, जो मदरबोर्ड होता है उसके साथ में जितने भी आपके स्क्रूज मिलते हैं उसके साथ में ये वाला स्क्रू मिलता है और बहुत छोटा स्क्रू होता है ये। तो इसको आप हमेशा संभाल के रखिएगा, जब भी आप अपनी SSDs लगाते हो चाहे जेन 3 की हो जेन 4 की हो तब आप इसको लगा सकते हो। कई लोगों के मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही स्लॉट होता है जेन 3 का या जेन 4 का, तो उस चीज़ को आप जरूर चेक कर लीजिएगा इस SSD को लेने के पहले कि आपके मदरबोर्ड में कौन सी जनरेशन के SSD को सपोर्ट करने का स्लॉट लगा हुआ है, उसके हिसाब से ही आप बाय कीजिएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये वाली हमारी SSD बहुत ही शानदार है और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर ही लगाना है और आपकी इंस्टॉलेशन डन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको मैं दिखा देना चाहूँगा कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो आप लगा दीजिए। ये आपका जो लॉक होता है उसको ओपन कर लीजिए, पहले से मेरा ओपन है, अगर आपका ओपन नहीं है तो उसको ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप अपना जो ग्राफिक कार्ड है उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें जो LED है वो एक सिंगल LED है जिसको आप मल्टी कलर किसी भी कलर में RGB के साथ सपोर्ट करता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए सैमसंग का मैजिशियन सॉफ्टवेयर होता है तो वो वाला चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके पहले आप अपने ग्राफिक कार्ड को प्रॉपर तरीके से स्क्रू लगा के टाइट कर लीजिए और अपना ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा अभी येलो है, येलो के साथ आप देख सकते हो रेड भी ब्लिंक कर रही है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, उसके साथ में ब्लू है, ब्लू के साथ में ये जब चलती तभी है जब आपका वो रन करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।